हम इस करप्शन को रोकने के लिए क्या करें यहाँ से अगर आप गाड़ी चला के ले जा रहे हैं और स्पीड कर रहे हैं या गलत जगह से ओवरटेक कर रहे हैं पुलिस वाला आ जाता है तो आप क्या कहते हैं चलो भैया दस रुपया बीस रुपया दो आगे चलो नहीं देंगे तो वो चलान करेगा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा इसका मतलब क्या कि आपको रू कानून का पालन करना पड़ेगा तो तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत जिस दिन इस देश की जनता में आ जाएगी उस दिन करप्शन नाम का ये ये जो भूत है ये अपने आप भागेगा कि आप या फिर कोई और अच्छा काम कर रहा हो तो दूसरा उसको खींचना चाहता है या फिर उससे जलने लगता है तो सर हम इसको कैसे खत्म करें कुछ भी काम करेंगे कोई भी जिसने भी काम आज अच्छा किया है शुरू में उसको समाज से देश से अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला है लोगों ने उसके बारे में टांग खींचाई है पीछे बिठाने की कोशिश की है लोग रोकते हैं लेकिन जो करने वाला होता है वो सुनता नहीं किसी की थैंक यू सफल होने में कामयाब होने में बिजनेस में और में पॉलिटिक्स का कितना दखल अंदाज होता है कितना भाग होता है क्या बिजनेसमैन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ये एक आज का विषय चुना गया तो इसके लिए अगर पुराने जब देश को आज़ादी मिली उस समय से लेके अगर थोड़ा सा एक दस मिनट में पंद्रह मिनट में मैं अगर आपको विवरण बताऊं तो उससे अपने को एक परिपेक्ष पूरा सामने आपके आ जाएगा उसके बाद आप लोग शायद इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकोगे और चर्चा और ज़्यादा लाभदायक होगी जब देश आज़ाद हुआ उस समय में बहुत ही लिबरल एक पॉलिसीज के साथ उस समय की जो सरकार थी वो चली यहाँ तक एक इंसिडेंस है कि उन्नीस में एक प्राइवेट व्यक्ति थी उनका नाम था धर्म तेजा धर्म तेजा पंडित नेहरू से मिले और उन्होंने कहा कि हम हाँ एक शिपिंग कंपनी चालू करना चाह रहे हैं तो ना कि उन्होंने शिपिंग कंपनी को चल, बनाने की इजाज़त दे के चालू करवाया लेकिन वो जहाज़ जो सात आठ जहाज़ खरीदे गए विदेशों से उसके लिए भारत सरकार ने एक किस्म की सॉवरन गारंटी दिया उनको सरकार का गारंटी दिया कि ये अलग बात है कि वो किसी कारणों से नहीं चला पाए और वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए और उस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया जो कि आज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो भारत सरकार का उपक्रम है लेकिन और उस समय में काफ़ी कुछ प्रेशर भारत सरकार पर था दोनों तरफ से इधर से तो यूएसएसआर ब्लॉक लगा था कि वो अपनी तरफ लेके जाए सोशलिज्म की तरफ लेके जाए और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्री मुल्क लगे हुए थे कि वो भारत जो है ये केवल सोशलिस्टिक रूप में पैटर्न में नहीं चला जाए कम्युनिस्ट रास्ते में ना चला जाए वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ रहे तो उस समय के कुछ जर्मन और फ्रेंच बैंकों ने भारत सरकार को कुछ पैसे दिए जिससे कि आज भी भारत में कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से मैनेजमेंट के लोगों को स्टूडेंट्स को तैयार करके कॉरपोरेट वर्ल्ड में दिए जाए लेकिन जब भारत की चीन की लड़ाई हुई उन्नीस में तब ये समझ में आया देश को और उस समय की सरकार को कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं बना इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ जब उन्नीस में जब देखा चीन से हमको करारी हार मिली तब देश की आंखें खुली उस समय में उस समय से लेके आज तक जितनी भी सरकारें खासकर कांग्रेस सरकार ने सोशलिस्टिक वे में जाने का फ़ैसला किया हर चीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया पब्लिक सेक्टर में बिज़नेस खोले गए चाहे वो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो चाहे ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी हो ये सारी जो संस्थाएं बनी पब्लिक सेक्टर में सरकारी जो उद्यम बने ये ज़्यादा कर उन्नीस के बाद के हैं कुछ तो पहले से थे ये नहीं कि नहीं थे और तब से अगर उसके बाद का उस वक़्त फिर पंडित नेहरू ने आ, उससे पहले ही लगभग उन्नीस में प्लानिंग कमीशन बनाया उसमें ये तय किया गया कि हर पांच वर्षीय योजनाएं बने तो पॉलिटिकल सिस्टम ने इकॉनमी में बिजनेस में उसमें उनका दखल अंदाजी बढ़ती चली गई जब इसी दौरान में जब हम नज़दीक आते हैं इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी उससे पहले से ही इंडस्ट्रियल कंट्रोल लाए गए एम एक्ट मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जिसको बोला जाता है वो लाया गया आ, लाइसेंस के बिना आप कुछ भी प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते थे देश में प्लानिंग कमीशन के भी अच्छे और बुरे कई तरह के परिणाम निकले तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई कुछ सो गुड्स so ऐसी भी चीजें हुई उससे आगे का समय देखें तो बिजनेस में जो दखल अंदाजी पॉलिटिकल पावर्स की जो थी वो मिसेज इंदिरा गांधी के समय से बढ़ती हुई चली गई लगातार तो हर हर उसके कारण से ऐसा शुरुआत हुई लगभग बिना नाम लिए मैं बताऊंगा कि उनके समय में करप्शन को पहली बार सेलिब्रेट किया गया लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो बढ़ा आज इतना ये बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है कि यानी आप एक इमेजिन इस से करिए मैं पहले भी एक जगह कहा है कि जैसे कि आपका एक ये ब्लॉक है भगत सिंह ब्लॉक इसमें कितना मंजिल है फोर फ्लोर्स। हैं तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि छः फ्लोर अगर हैं एक मकान के और एक तरफ से जितना रेवेन्यू जितनी इकोनॉमी देश की है उसको ये समझिए कि एक पानी का बड़ा टैंक बनाया हमने और उसके अंदर तरह तरह के टैक्स लगे जो आज देश के अंदर चौंसठ प्रकार के अलग अलग टैक्स हैं उन उन टैक्सीज की जो पाइप आती हैं उनसे पानी ऊपर टंकी पर चढ़ाया जाता है छत के ऊपर ताकि छः के छः मंजिलों पर वो पानी दे सके वो चौंसठ पाइप इतनी गली सड़ी हो गई हैं इतनी और करप्शन की वजह से और सब की वजह से जो रेवेन्यू आना चाहिए या जितना इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए वो आता तो है उस नीचे की टंकी में लेकिन वो ऊपर टंकी में पहुंचते पहुंचते केवल 15 से 20 प्रतिशत पहुंचता अब आप इस बिल्डिंग को अंदाजा लगाइए कि ये आपका देश है उसमें सबसे पहले वो ऊपर की मंजिल पे पानी देता ऊपर की मंजिल क्या की है जो सरकारी खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट केवल उस काम के लिए जाता उसके बाद दूसरी मंजिल जो नीचे आती है उस मंजिल को हम कहते हैं जो डेट जो है कर्जा जो है सरकार के ऊपर उसका ब्याज देने में वो जाता है दूसरा तीसरी फिर मंजिल आती है जहाँ पे प्लैंड एक्सपेंडिचर जिसको वो बोलते हैं वो वो करते हैं और जो पाइप नीचे पानी की आ रही है छहों मंजिलों में वो वहाँ भी तो लीकेज है जो खजाने से पैसा चलता है आपके यहाँ बीता में पैसा लगने के लिए सड़क बनाने के लिए और करने के लिए वो पंद्रह प्रतिशत ही पहुंचता है तो दोनों तरफ पाइप लीक हो रही है और वो जा कहाँ रहा है सारा पानी वो सारा पानी जाके अंडरग्राउंड नीचे का एक पाइप चल रहा है जो ब्लैक इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर सब पानी जा रहा है लीक होकर और जब पानी की कमी रहती है तो बोलते सरकारें बोलती भैया एफडीआई ले आओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाओ चाहे उसके लिए हमारी लोकल इंडस्ट्री को किल करना पड़े तो किल करो कोई परवाह नहीं बाहर का पैसा आना चाहिए क्योंकि टंकी खाली है वो वो एफ का पैसा आता है वो भी उन्हीं गले सड़े पाइपों से ऊपर जाता है उसी से नीचे आता है यानी पब्लिक के लिए जो नीचे सबसे मंजिल है आम आदमी के लिए कोई पैसा बचता नहीं है दिल्ली में अगर ये मई से पहले अगर हम देखते थे तो दिल्ली में गोल्फ क्लब है सुबह गोल्फ क्लब हाँ साढ़े सात बजे से भर जाता था दिल्ली में गोल्फ क्लब सुने हो नहीं yes, उसमें भर जाता था सारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ सुबह आते थे घर से स्नान करके नाश्ता वहीं आके करते थे और मेरे जैसे बिजनेसमैन जो हैं वो इसलिए आते थे कि ब्यूरोक्रेट से काम कराना है उनके साथ खेलना है खेल खेल में अपनी बात भी कर लेंगे वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी गोल्फ के ग्राउंड में और गोल्फ खेल के उसके बाद लंच करते थे लंच करने के बाद दफ्तर जाते थे मोदी जी ने आके वो सब बंद कर दिया उनको यही बात का गुस्सा है दिल्ली में लोग बोलते हैं दिल्ली में हार इसीलिए गए क्योंकि वो नौ बजे सुबह पहुंचना पड़ता था तो ये थोड़ी सी झलकी मैंने आपको पुराने इकोनॉमी की बिजनेस की सक्सेस की वर्सेस पॉलिटिक्स आपको बताई आपके क्या विचार हैं इसके बारे में आपका क्या सोचना है स्टीव जॉब सर ने या फिर खुद आपने विदाउट पॉलिटिकल इंटरवेंशन आपने तरक्की की है क्योंकि सर जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूँ अगर मैं गलत ना हूँ तो आपने चावल के उत्पाद से शुरुआत की थी और धीरे धीरे आपने उसमें कुछ लॉसेज होने के बाद भी कुछ लॉसेज होने के बाद भी आपने अपने कमियों को से सीखा उस पर विचार किया दूसरे को मोटिवेट किया फिर आगे बढ़ा तो सर आप स्टीव जॉब्स और धीरू भाई अंबानी सर और भी मैनी मोर इंटरप्रीन्योर्स जिन्हें हम कहते हैं उन्होंने इसी तरह से शुरुआत की थी और आगे बढ़े तो सर मैं लास्ट में बस फाइनली इतना ही कहूँगा कि विदाउट पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऑब्वियसली बिजनेस कैन सर्वाइव एंड ग्रो दैस ऑल सर वेरी गुड आपकी अच्छी सोच है लेकिन मैं मुझे मैं दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा धीरू भाई के बारे में या स्टीव जॉब्स के बारे में लेकिन अपने बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमने कुछ जहाँ शुरुआत की वहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट हमको ली, हमने ली भी और हमको मिली भी जिससे आगे बढ़े उसके बिना शायद आगे नहीं बढ़ पाता कोई आदमी जल्दी से उसको स्वीकार नहीं करेगा जहाँ तक मेरा मानना है बिजनेस बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि सर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर हम ऐसा को... भी नहीं है कि नहीं हो सकता नहीं सर करेंट uh, लेकिन लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्टकट चाहते हैं जी सर हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं एक्चुअली आप सही बोले सर हाँ। सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक इंस्टीट्यूट के अफिलिएशन के लिए मैं अपने सीनियर के साथ एक ऑफिस में गया बिहार की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे अफिलिएशन के लिए उन्होंने कुछ डिमांड कर दिया तो हमने बोला सर ये तो गलत है आप कैसे कर सकते हैं तो उन्होंने कहा देखिए भैया शासन भी मेरा ही है प्रशासन भी मेरा है नहीं हो सकता सर मेरा यही कहना है सर वेरी गुड थैंक यू सर वेरी गुड If you consider, without public intervention, you can start a business, it is possible, but it is a double-nudge, it is a hard nut to crack if you want to grow further. I have examples, Sir, one of my relatives is in, he is in Army, he is in Post of major He had one, one and a half core asset and he wanted to start a real estate business. So he had told me that if you want to start, you need a dryness in your mind, you need capital and you need link. not with 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 the 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 political persons, with the bureaucrats, with the workers like in in your city, in low level level to high you you need support then you can stand. This is नॉट विद दॉलिटिकल so Thank you. Very good. haan <laughs> <Anye>. ji Yes. मेरा मानना है सर कि ये सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन पर डिपेंड करता है इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा ज़रूरत होती है जैसे एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो वहाँ पर एक्सपेंशन के लिए इम्पैक्ट को स्केल अप करने के लिए डेफिनेटली पॉलिटिकल इंटरमेशन या सिस्टम का इंटरमेशन ज़रूरी है बिकॉज आंट्रप्रनर एक इनोवेटर है वो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर सकता है लेकिन स्केल अप में गवर्नमेंट का की मदद ज़रूरी है अब जैसे आज के समय में जो ई कॉमर्स बिजनेस है शायद ई e कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरमेशन की जरूरत ना पड़े और जो कि उतनी नहीं है बट पॉलिटिकल सपोर्ट की जो जरूरत है वो सेक्टर से टू सेक्टर आपको के. नहीं लगता कि बिजनेस और पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल लोगों में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर बिल्कुल है बिल्कुल है और यही यही रीज़न है सर कि अभी भी हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि दोनों कन्वर्ज कर सकें जो आपने जिस नेक्सस की बात की वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये आर्ट पता है <laughs> <राइट>? <laughs> सभी लोग इधर से कोई फेरारी ओनर ही ही सेल्स ही सेल्स हिज का to Lamborghini and the owner of Lamborghini that time he produces director and that time the owner of owner of Lamb Lamborghini he goes directly and says that the sir uh, आपके जो कार वो आप बनाते हैं उसमें वो क्लच के प्रॉब्लम है then the owner of uh, Ferrari he says that कि go whatever आपको नीचे नहीं लेना मतलब I don't care Then that time the owner of Lamborghini who who produces character that time he say in his, in his mind he says that now I am going to present my car in a future and now it's it is the time that he present a Lamborghini car and it's a huge success in a world so the thing is that it's not about political issue it's about ourselves how much dedicated we are so as for my my opinion it's not about political issue that's thank very you. good thank you. मेरा एक सवाल है आपसे कि वर्तमान परिस्थिति में सरकार की नीति निर्धारण सारा कुछ राजनेता ही करते हैं और इस राजनीतिक माहौल में अगर हम कुछ स्टार्टअप या बिजनेस की बात करें या सोचें तो कहाँ तक हम ये माने कि वो हमारे लिए सकारात्मक या सपोर्टिव होगा अभी तो देखिए हर सरकार पर निर्भर करता है किस स्टेट में कैसे उनका सरकार का रुख क्या है आ, बहुत सी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है जैसा कि एक आपने किसी ने कहा कि पॉलिसी बनाने का अधिकार तो पॉलिटिकल बॉसिस के पास है रहना भी चाहिए क्योंकि जब पॉलिसी बनाते हैं वो लोग तो उनको पता है कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिसकी कारण से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो ज्यादा लोगों तक उसका लाभ जाए लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की इम्प्लीमेंट करने की जो सारी चीज़ रहती वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या अपना रुख है क्या नहीं है उस पर निर्भर करता है अब यहाँ बिहार में मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जितना तीन दिन में समझ में आया है उसमें तो ये लगा कि बिहार में संवेदनहीनता है सरकार में वो संवेदनशील लोगों के प्रति नहीं है हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमेशा दिस इंटरफेरेंस वर्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको इंटरक्शन में चेंज कर देते हैं hmm. और ये हैं। एक बड़ा दूर मंत्र है जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं हमारे देश में उस इंटरफेरेंस वर्ड में विश्वास नहीं करके उसको इंटरक्शन में चेंज करते हैं और पॉलिटिशियन पावर रखते हैं अपने पास और बिजनेसमैन मनी पावर रखते हैं तो पावर और मनी पावर का इंटरेक्शन बहुत स्मूथली मैनेज हो जाता है <laughs> नहीं पैसा तो पॉलिटिशियंस के पास है वाकई रहता नहीं है बिजनेसमैन के पास वो तो काम पे लगाए रखता है उसको पैसे को आपके पास जहाँ दस लाख बीस लाख इकट्ठा होता था आप सोचते चलो एक दस सीट और लगाओ कहीं ना कहीं काम करो और आगे कुछ इंस्टीट्यूशन को बढ़ाओ आप घर में कितना पैसा रखते होंगे हमें नहीं लगता कि घर में रखते होंगे पैसा खैर मैं इतना जरूर कहूंगा आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि हमने उन्नीस में पॉलिटिकल एक सिस्टम की मदद लिया चावल का काम जब किया कि उसके बाद मैंने चौरासी के बाद कभी आज चौरासी से अब तक 31 वर्ष हो गए हैं मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसमें मुझे पॉलिटिकल मदद लेनी पड़े हाँ जैसा शैलेश ने कहा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना के लिए ज़रूर उनके पास जाना पड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ये यहाँ हमारे बीच में एक शख्स है जैसे देखिए भारत सरकार ने राजीव गांधी सर की सरकार से लेके अब तक मेरा ख्याल तीस हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया होगा गंगा को क्लीन करने में गांधी गान्द, राजीव गांधी के समय में जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे उन्नीस सौ छियासी उस समय में लगभग सब बंद पड़ गए देखते हैं अब नई सरकार क्या करती है हालांकि हम लोगों ने जी ने एक प्रयास किया कि हम पब्लिक को इन्वॉल्व करें हमारे पास लगभग 50 लाख लोगों के मैसेज आए कि हम जुड़ना चाहते हैं हमारा प्लान था कि लोगों का मूवमेंट बनाएं गंगा को साफ करना क्योंकि गंगा जो है ये इस भारत की संस्कृति की एक बड़ी नींव है उसके गंगा अगर नहीं हो तो भारत की ये संस्कृति नहीं है चाहे वो धर्म की बात नहीं है इसमें कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है क्योंकि मतलब 50 प्रतिशत आबादी गंगा से प्रभावित होती है और उसका पानी उसका जल हर घर में भारत में मिलेगा आपको तो हम जो पॉलिटिक्स की बिजनेस की बात कर रहे थे आपके मेरे बीच में आपके मेरे बीच में और मेरे दर्शकों के लिए खासकर जो घर बैठे ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे पास साथ हैं विकास चंद्रा जी उनका बीच में निक नेम है गुड्डू बाबा <laughs> आप में से आप में से कितने लोग जानते हैं गुड्डू बाबा को अच्छा नाम सुने हैं देखे नहीं उन्नीस में एक रात 12 बजे ये अभी पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं इन्होंने किसी एक आदमी को देखा पटना में गंगा के एक गंदे नाले में स्नान करते हुए इन्होंने जब उससे पूछा भाई क्यों उनका मेरी पत्नी का देहांत हुआ है दाह संस्कार किया जाए हाँ माझ घाट पर तो वो करके आया हूँ पर मेरा नाव लेके कर तीन सौ रुपया खर्च करने का पैसा नहीं है ताकि मेन स्ट्रीम गंगा में जाके जहाँ क्लीन पानी कर सकूँ तो मैं यहीं पे ही डुबकी लगा ले रहा हूँ तब से इन्होंने जो बीड़ा उठाया और गंगा में यहाँ तक होता था कि पटना मेडिकल कॉलेज और, और हॉस्पिटल की लावारिस लाशें भी गंगा में फेंक दी जाती थी उसको रुकवाया उसके बाद अपना प्रयास से कोटों के चक्कर काट के जो अभी जो प्रयास इनका चल रहा है कि ताकि कोई जानवर भी जो है गंगा में मरे हुए ना फेंके जाए देश भर में इन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए सब सरकारों से कि कितनी लावारिश लाशें देश में हर साल फेंकी जाती है लगभग सत्तर हज़ार के तो इनको आंकड़े मिल गए एक साल के लेकिन अंदाजा ये है कि एक लाख से ऊपर लावारिस लाशें देश में किसी न किसी नदी में किसी न किसी तरीके से फेंक दी जाती हैं इंसानों की दे लाशें दे 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 तो आप बताइए गुरु जी के कैसे के अब आपको कैसे लग रहा है आपको लगता है कि लोग आपका साथ दे रहे हैं सरकार साथ दे रही है पॉलिटिशियन साथ दे रहे हैं है। है। बच्चों के बीच में निश्चित तौर पर अपना जो मैंने जिंदगी जिया है वो शेयर करना चाह रहा हूँ वो सर ने तो बताया है कि वो पटना के बाँसघाट पर तंत्र साधना में लीन था उन्नीस सौ की बाईस दिसंबर की वो रात और जब मैं बारह साढ़े बारह की रात में जब तंत्र साधना से बाहर आया तो देखा कि एक वृद्ध वहाँ पर स्नान कर लिए थे नाला पटना में से गंगा तीन किलोमीटर शिफ्ट कर गई है हमने जब उनसे पूछा कि बाबा जी आपने ये क्या किया ये तो नाले का पानी है उस वृद्ध ने जो हमसे कहा कि बाबा जी ये मेरी धर्म पत्नी है और इनका इनकी प्रबल इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर है और घाट पर ही हो इसलिए और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं गंगा के मेन स्ट्रीम तक तीन सौ रुपये ला के जा पाता उस व्यक्ति ने जो बातें कही उसने मेरे जीवन की धारा बदल दी मैं आपको बताऊं कि मैं दो विषय से एमए की डिग्री मैंने प्राप्त किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई जब इस देश में शुरू हुई थी पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर था वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और एन कॉलेज पटना में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से एम की डिग्री प्राप्त की है पॉलिटिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में मैंने प्राप्त किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिफ्टी मार्क्स थे मैं चाहता तो कहीं ना कहीं लेक्चरर हो गया रहता बच्चों ऐसा है कि हर मनुष्य के इस चीज़ को यहाँ रख लो हर मनुष्य के जीवन की एक ऊंचाई है वो वहाँ तक जाएगा उसे कोई रोक नहीं सकता है ये ये क्या कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको ये अपनाने की ज़रूरत है कि उस पर जाने के बाद वह आदमी उस लेवल पर अपने को रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है 99% लोग हैं जो नीचे की ओर आना शुरू करते हैं तो कम से कम मेरा एक प्रार्थना है आप सभी विद्यार्थियों से कि ऊंचाई मिलेगी निश्चित और वहाँ जाने के बाद नीचे की ओर नहीं आओगे <laughs> लेकिन आज, आज आज आपको सहयोग मिल रहा है कि नहीं पब्लिक से या सरकारों से पॉलिटिकल लोगों से बिहार सरकार से गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज मी गवर्नमेंट बिहार सरकार आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती नहीं करती है, है। लेकिन बच्चों में बताऊं मुझे 2009 में रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया था मुंबई में बुलाकर रियल हीरो अवार्ड के साथ मुझे पांच लाख रुपए का डोनेशन भी जो मिला था मैंने उस पांच लाख रुपए से एक मैंने अपने शरीर पर नहीं खर्च किए पंद्रह पी आई एल मैंने पटना हाई कोर्ट में और पांच सुप्रीम कोर्ट में कर दिए मैं तो तो अब आगे आग, क्या करना चाहते हैं आप आज यह देश का दुर्भाग्य है कि गंगा की सफाई में जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं सही बात बता और मेरा मेरा सुभाष जी चैलेंज है इस बात का कि इस देश में कोई भी सिंगल व्यक्ति आपके इस बुड्डू बाबा के सामने फेस नहीं कर सकता है क्योंकि मुझे लाशें जो है वो स्पेल नहीं कर सकती है गंगा के प्रति मेरी इतनी आस्था है कि मैं सड़ी गली लाशों को अपने हाथों से उठाता हूँ और उनका क्रिमेशन में करवाता हूँ बहुत अच्छा आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे अभी सरकार कैसे ठीक करे इस बात को मुझे तो कष्ट होता है कि सवा सौ सव करोड़ इस देश के नागरिक हो गंगा को माँ कहते हो और माँ को बचाने के लिए विश्व बैंक से देश के लोग कर्ज ले रहे हो और जनता स्वीकार कर रही है मैं बराबर चैनलों के माध्यम से कहा हूं कि प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से सहयोग मांगिए यहां रिक्शा वाला ठेला वाला भिकमंगा भी जो है गंगा को माँ कहता है तो गंगा के लिए पैसे देगा विश्व बैंक से कर्ज लेकर के उस पैसे को भी कम से कम हफेद सफेद हाथी बनने दीजिए चलो तो दो बात दो बात आपने कही इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो आपने जो लोगों को चुना है गलत चुना है दूसरा आपको कोई विश्व बैंक से पैसा लेने की जरूरत नहीं है इस देश की जनता के पास तन मन धन से गंगा को साफ करने को तैयार है गंगा पॉल्यूशन का 74 परसेंट जो है मामला वो सीवरेज का है अनट्रीटेड वाटर ट्वेंटी फोर परसेंट जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वनली टू परसेंट हमारे पब्लिक हैं और ये चाहे कोई भी सरकार हो कोई भी मीडिया के लोग हो वो सभी लोग जनता को ब्लेम करते हैं चूंकि गंगा आस्था की शिकार हुई इस देश में मैं बराबर कहता हूं और गंगा आस्था की बात है तो पॉलिथीन जो भेजे फेंके जाते हैं गंगा में वो अभी सरकार को बंद करने की बात है सरकार की को जनता वहाँ भेज देती है पैसे भी उनके खर्च करने का अधिकार होते हैं और ब्लेम जो होता है वो हमारी जनता के ऊपर होता है हमारे लोगों के ऊपर होता है यह है इस देश में रुकना चाहिए तो मेरा तो ऐसा मानना है मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो मेरे हिसाब से गंगा को साफ करने के लिए हमें सरकार की कोई आवश्यकता नहीं बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बाबा आप आए इस शो में मेरा ख्याल से आई होप हमारे जो दर्शक इसको देखेंगे प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इससे बड़े लाभान्वित होंगे पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस के कुछ लाभ भी हैं कुछ नुकसान भी हैं Uh, जैसा कुछ लाभ तो मैंने बताया कि उनके इंटरफेरेंस से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए ऐसा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है लेकिन होता नहीं है उसके लिए अगेन घूम फिर के एक ही बात पे आ जाते हैं हम जो करप्शन है वो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है हमारी है इसके लिए हम सभी लोग भागीदार हैं अब जनरली आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए कि एज एन यूथ हम इस करप्शन को रोकने के लिए क्या करें अगर आप तैयार हो तकलीफ उठाने के लिए तो ही इस बात में इसका जवाब मिल सकता आपको तकलीफ हम उठाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब आप रिश्वत देना बंद करेंगे उससे तकलीफ होगी यहां से अगर आप गाड़ी चला के ले जा रहे हैं और स्पीड कर रहे हैं या गलत जगह से ओवरटेक कर रहे हैं पुलिस वाला आ जाता है तो आप क्या कहते हैं चलो भैया दस रुपया बीस रुपया दो आगे चलो लेकिन बंद नहीं देंगे तो वो चलान करेगा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि आपको कानून का पालन करना पड़ेगा तो तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत जिस दिन इस देश की जनता में आ जाएगी उस दिन करप्शन नाम का ये ये जो भूत है ये अपने आप भागेगा बिजनेस बढ़ाने के लिए हम पॉलिटिकल सपोर्ट लेते हैं उसी तरह करप्शन रोकने के लिए पोलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए फिर सेकंड क्वेश्चन सर आपने कोई करप्शन रोकने की कोई स्टेप उठाया अभी तक हम तो मैं तो बता रहा हूँ कि हम अपने यहाँ अगर कोई हमारे यहाँ कोई रिश्वत देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे पता लग जाए तो मैं तुरंत उसकी नौकरी ले, ले लेता हूँ पहले सबसे पहले बहुत तकलीफें आती है उसकी वजह से लेकिन उसको लड़ना पड़ता है वो फिर मैं पूछता हूँ हमारे लोगों से कि भैया जिन लोगों ने आज़ादी देने के लिए अपनी जानें गवाई उन्होंने सोचा था कि मेरा क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा जिस संस्था में आप खड़े हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि उसके क्या साथ क्या होगा लेकिन आज हम अपना सोचने लगते हैं कि मैं पीछे रह जाऊंगा ये हो जाएगा तो वो जब तक सोचेंगे अच्छा जहाँ तक राजनीति आज हमने आपने सबने एक बिना भ्रष्ट आदमी को प्रधानमंत्री चुनकर बिठाया वहाँ मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है उनके बारे में लेकिन मुझे तो लगता है कि वो कोशिश कर रहा है वो आदमी लेकिन जो आ, जो जो आगे हम जैसे लोग हैं जिनका जो जिनको आदत पड़ी हुई है करप्शन की वो लोग उसको कामयाब नहीं होने देना चाहते ये भी एक सच्चाई है दिल्ली में सर मीडिया हमारे देश का थर्ड पिलर माना जाता है क्या आपको नहीं लगता कि आज जो हमारी देश की दुर्दशा है इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी हाथ है बिल्कुल है आई एक्सेप्ट लेकिन लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ हमने अभी प्रयास शुरू किए हैं आप देखेंगे कि हमारा जी मीडिया काफ़ी कुछ आपको साल भर में बड़ा फर्क नजर आएगा हाँ सर हम लोग जब भी कोई अच्छा काम करते हैं या फिर जैसे कि आप या फिर कोई और अच्छा काम कर रहा हो तो दूसरा उसको खींचना चाहता है या फिर उससे जलने लगता है तो सर हम इसको कैसे ख़त्म करें सबके अंदर से अपने अंदर से कि वो बढ़े हम भी बढ़े और हर कोई बढ़े कुछ भी काम करेंगे कोई भी जिसने भी काम आज अच्छा किया है शुरू में उसको समाज से देश से अपने परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला है लोगों ने उसके बारे में टांग खींचा ही है पीछे बिठाने की कोशिश की है कि तुम क्यों अपने दूसरे की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा क्यों बन रहे हो लोग रोकते हैं लेकिन जो करने वाला होता है वो सुनता नहीं किसी की वो वो तो गाना भी सुनता है ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना एक तरफ तो बोला जाता है कि कास्ट वाइज नहीं लेना चाहिए मतलब सभी जाति के लोग एक बराबर हैं हमारी कंट्री में बट एजुकेशन में मैं देखती हूँ कि जहाँ भी जॉब कहीं भी मिल रहा है या फिर पढ़ाई में भी कहीं भी गवर्नमेंट अगर है तो तो लोअर कास्ट के लोगों को कम भी मार्क्स है तो उन्हें जॉब जल्दी मिल जाती है या फिर एडमिशन भी जल्दी हो जाता है तो कोई भी काम उन लोग का सर्टिफिकेट जाति सर्टिफिकेट जो मतलब जो भी होता है कास्ट सर्टिफिकेट से उन लोग का काम जल्दी हो जाता है मुझे लगता है कि यहाँ अगर मेरा जवाब आप पूरी तरह से सुनेंगे तो ज़रूर आप में से दस बीस युवक युवतियाँ उठ के आएंगे मुझे मारने के लिए वो बारहवीं सैनिक को तैयार हूं मैं मैं भी एक ऊंची जाति में पैदा हुआ हूं लेकिन मैंने इस चीज को समझा है देखा है और आज भी देखता हूं जिन लोगों को आज रिजर्वेशन गांधी जी ने शुरू में दिया दिलवाया उन लोगों के साथ इतिहास गवाह है कि पुराने समय में बहुत जातिया हुई उनको दबा के रखा गया 20 वर्ष आप अच्छी आपकी परवरिश हो रही है आपके पास अच्छा पैसा है खाने को अच्छा है साफ़ सुथरा पानी पीते हैं साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं उसकी वजह से होता है बीस प्रतिशत आपके अगर दवा का दवा दारू का इंज़ाम ठीक समय से हो जाए उसके लिए होता है तो जो गलतियां हमारे बुज़ुर्गों ने कभी की थी उन लोगों के साथ उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं आज और थोड़े दिन और भुगतना पड़ेगा उनको उनको विश दम गुड लक वी मेक दम हैड आप आप थोड़ा और दौड़ने का आप तेज करिए अपने आप को। अपने आप को कमजोर क्यों समझती है उसको रिजर्वेशन मिल गया नौकरी मिल गई कोई बात नहीं आपको नौकरी नहीं मिली काम करना शुरू कर दीजिए बिजनेस करना शुरू कर दीजिए एंटरप्रेन्योर बन जाइए चलिए तो साथ आप लोगों ने सुना और इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया उसके लिए मैं आपके मैनेजमेंट को बहुत बधाई देता हूं कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही लाइव हैं बड़े एक्टिव हैं और फिर मिलेंगे आप कुछ इस शो में देखेंगे तो कुछ सवाल जिन लोगों के मैं नहीं ले पाया हूं तो ये शो डीएससी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ जवाब आपको मिलते रहेंगे धन्यवाद जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला एस एम एस करा डी एस सी स्पेस द्या तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा पाच सात पाच सात वर तुम्ही ईमेलही करू शकता डी एस सी झी मीडिया डॉट एस एल ग्रुप डॉट वर जी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे